2017 में जब दिल्ली की मार्केट्स की सीलिंग शुरू हुई, तब से आम आदमी पार्टी दिल्ली के दुकानदारों के साथ, दिल्ली के व्यापारियों के साथ संघर्ष में साथ खड़ी है। जिस दिन से डिफेंस कॉलोनी की ये पहली सीलिंग शुरू हुई थी, उसी दिन से आम आदमी पार्टी ने बार बार उसका पुरजोर विरोध किया था, बार बार इस मुद्दे को उठाया था कि ये जो सीलिंग हो रही है वो इलीगल तौर पे हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता इस सीलिंग के खिलाफ सारे लोकल शॉपिंग सेंटर्स के जो दुकानदार हैं उनके साथ खड़े रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने सीलिंग को जल्द से जल्द करने में, दिल्ली के दुकानदारों को परेशान करने में, दिल्ली के व्यापारियों को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दिसंबर 2023 में जब ये जुडिशियल कमिटी आदेश देती है कि जो सीलिंग हुई है वो गलत है और डीसीलिंग होनी चाहिए, उसके बावजूद भी डीसीलिंग की कार्रवाई नहीं शुरू हो रही, तो क्या बदल गया पिछले 1 साल में? क्या बदल गया ऐसा कि आज जो कमिश्नर है एमसीडी का, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तो उनका आदेश मानने को तैयार था एमसीडी में, लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो बात मानने को तैयार नहीं है। इसका जो असली कारण है, इसकी जो जड़ है, वो है जो अभी एमसीडी एक्ट में अमेंडमेंट लाकर कमिश्नर का अपॉइंटमेंट पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में दे दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वो एमसीडी में चुनाव हारने वाली है। जो 15 साल से वो पैसे की उगाही करते थे, जो एमसीडी से पैसा कमाते थे, वो खत्म होने वाला है। इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को अमेंड किया कि वो बैकडोर से एमसीडी को चलाते रहें और जो उनके पैसे की उनको हवस हो गई एमसीडी को उठाने से, जो एमसीडी की उगाही करने से, एमसीडी के माध्यम से, उसको वो किसी ना किसी तरीके से चालू रख सके। आज क्यों दुकानों को डीसील नहीं किया जा रहा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भी इन व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहती है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मॉनिटरिंग कमिटी के आदेश पे सीलिंग हो जाए, लेकिन उसकी जो ऊपर जुडिशियल कमिटी बैठी है उसके आदेश पे डीसीलिंग ना हो? डीसीलिंग तभी होगी जब ये व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को पैसा पहुंचाएंगे, वरना तब तक भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार अफसरों के स्क्रू टाइट कर करके ये डीसीलिंग की प्रक्रिया नहीं होने देगी। ये है भारतीय जनता पार्टी के पैसे की हवस, ये है भारतीय जनता पार्टी की उगाही की कहानी कि वो किसी ना किसी तरीके से एमसीडी का इस्तेमाल करके दिल्ली के लोगों से पैसा चूसना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।